पिछले कुछ दिनों से इंदौर जिले में लगातार ठंड का कहर स्कूली बच्चों के लिए जहर बन रहा है। जिले में 8 डिग्री से नीचे पारा गिरने के बाद भी जिला प्रशासन नन्हे मुन्ने की छुट्टियां नहीं बढ़ा रहे हैं। वहीं जिलाधीश की माने तो अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है कि छुट्टियां घोषित की जाए। इंदौर जिलाधीश लोकेश जाटव ने बच्चों की छुट्टी घोषित करने के सवाल पर सूट पहनकर मीडिया को कहा कि अभी ठंड इतनी नहीं पड़ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते दो दिनों से अल सुबह से घना कोहरा छा रहा है, किंतु शायद जिलाधीश महोदय को अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिले की स्थिति से उन्हें रूबरू नहीं करवा रहे हैं। शायद इसी कारण जिलाधीश महोदय की जानकारी में जिले में कम ठंड है। ठंड के मौसम में ठंड लगना स्वाभाविक है, लेकिन उससे स्कूल बंद करने की नौबत है, अभी ऐसी ठंड नहीं पड़ रही। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर शहर के साथ ही जिले की कई तहसीलों में ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान का पारा इतना गिर गया था कि खेतों में बर्फ जम गई थी, जिसकी खबर मीडिया ने कई बार प्रमुखता से दिखाई भी। वहीं किसानों ने भी इस कड़ी ठंड को लेकर कई बार जिला प्रशासन में फसल के लिए गुहार लगाई थी। किसानों के मुताबिक उनकी फसलें भी ठंड में जल रही है, लेकिन खेतों में बर्फ जमा देने वाली ठंड के बीच नन्हे मुन्ने बच्चों को रोज स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं आसपास के कई जिलों में बढ़ती सर्दी के चलते बच्चों की छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं।